वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है टिक्का बिरयानी। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हम 1 किलो चिकन लिए हैं, उसको हम बड़े बड़े पीस में ले लिए हैं। बड़े बड़े पीस हैं हमारे, ज़्यादा हम छोटे नहीं रखे हैं। और 1 किलो है, इसे अच्छे से धुल के साफ़ करके इसका पानी बिल्कुल हमने निकाल लिया है। इसमें हम पहले तो 1 लींबू ऐड करेंगे, नींबू का जूस हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले चारों ओर हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। एक नींबू का जूस ऐड कर दिए है इसमें हम। 1 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। टिक्के के लिए सिर्फ हम मसाला लगा रहे हैं चिकन में, ग्रेवी के लिए हम अलग ग्रेवी इसकी तैयार करेंगे। और कुछ मसाले ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें गर्म मसाला पाउडर ले रहे हैं, आधा चाय का चम्मच हम टिक्का मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हम ले रहे हैं। आप कश्मीरी लाल मिर्च की जगह रेड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर टिक्के के लिए सरसों का तेल इसमें लगाना बहुत अच्छा रहता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से हम अच्छे से लगाएंगे इसे मसाला पूरा। मसाला हमने अच्छे से लगा लिया है। अब इसे हम कोयले का धुआं देंगे टिक्के के फ्लेवर के लिए। इसमें कटोरी रख दी है, अब इसमें हम 1 कोयला जला के ले लिए हैं। इसमें थोड़ा सा ऊपर से बटर या तेल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटा बाद हम टिक्के को भी फ्राई करेंगे, टिक्के की ग्रेवी भी तैयार करेंगे, चावल हम उसके बाद पकाएंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए हम 1 पतीला गर्म कर लिए हैं। इसमें 1 बड़ा कटोरा हम तेल ऐड कर रहे हैं। इसे गर्म होने देंगे। तब तक हम टिक्के के लिए हम रेडी करें, टिक्के को फ्राई करने के लिए रख लेंगे तेल गर्म होने तक। इसका ढक्कन हटा लेंगे। अब इसे हम पैन में 1-1 करके रख देंगे। इसमें हम तेल नहीं ऐड करेंगे, हम पहले से इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इसमें हम दोनों साइड में लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक अच्छे से सेकेंगे। जरा तंदूर का फ्लेवर भी है इसमें कोयले के धुएं से, और दोनों साइड गोल्डन ब्राउन करने से एकदम तंदूर जैसा लगेगा ये। ये दोनों साइड जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसे ग्रेवी में मिला देंगे बिरयानी के। और ये मसाला हम वेस्ट जाने नहीं देंगे, ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे ये। अब इसे हम बीच में अल्टी पल्टी करके इसे सेक लेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तेल में हम 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से हम आधी प्याज निकाल दे के साइड में रख लेंगे और आधी प्याज की हम ग्रेवी बनाएंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे गोल्डन ब्राउन। बीच बीच में हम चलाते हुए फ्राई करेंगे इसे। काफ़ी हद तक हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है, थोड़ा सा और बाकी है इसे फ्राई करने में। चिकन को हम पलटी कर लेंगे दूसरी साइड से सेम करेंगे, देखेंगे इस तरीके से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे इसमें। सारे चिकन को पलटी कर लेंगे हम इसी तरीके से। साइड इसी चेंज हो गई है, इस साइड में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम ये हटा देंगे, ये फ्राई हो जाएगा तो हम तब इसके बाद हम चावल रखेंगे गैस पे। तब तक हमारी प्याज भी फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी बिरयानी की ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें से हम आधी प्याज निकाल लेंगे। इसे ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे।
इसे हम अच्छे से भूनेंगे, इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो दूर हो जाए। चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे इसे, इसे भूनेंगे। मसाला हम तैयार कर लेंगे, दही हम अलग से इसमें मिक्स करके डालेंगे कि चलाने के टाइम पे हम ज़्यादा नहीं चलाना पड़े, नहीं तो हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे तो दही भी फटने लगेगी, इसीलिए इसमें मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची का पेस्ट 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। दही हम 1 कटोरी लिए है, वज़न में इसका 1 पाव वज़न है। टिक्का बिरयानी मसाला हम ले रहे हैं 3 टेबल स्पून। नमक हम इसमें ऐड करेंगे, हम नमक सिर्फ मसाले के स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। चिकन में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, चावल पकाने के टाइम पे भी हम थोड़ा नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही में कोई घुटलियाँ ना रहे, नहीं तो हमारी दही फटने लगेगी। फिर वैसे हम ऐड करेंगे तो, अगर आपके पास ये टिक्का बिरयानी मसाला नहीं है तो आप इसे भुना हुआ गर्म मसाला ऐड कर सकते हो, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आएगी। मगर भुना हुआ इस्तेमाल करिएगा गर्म मसाला पाउडर। 1 कटोरी हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। अब ये मसाला हम पतीले में डालेंगे। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, ये मसाला हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। अच्छे से साफ़ कर लेंगे बर्तन को, और इसे हम मीडियम टू लो पर ही भूनेंगे कि हमारा मसाला एकदम अच्छे से भुना है। जब तक मसाला भी हमारा रेडी होगा आराम आराम से, तब तक हम चावल भी पका के रेडी कर लेंगे। टिक्का हमारा एकदम परफेक्ट अच्छे से हो गया, दोनों साइड अच्छे सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। हम थोड़ा मसाला पकने के बाद ये टिक्का ऐड करेंगे ग्रेवी में बिरयानी के, इसे अब साइड पर रख लेंगे। चावल के लिए हम 2 घंटा पहले इसे धुल के अच्छे से भिगा के रख लिया, इसका पानी हमने हटा लिया। इसमें 1 चाय का चम्मच हम जीरा, 8 लौंग, 5 काली मिर्च ले रहे हैं, 5 हम इसमें लौंग ले रहे हैं, दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 1 चिटकी हम शाह जीरा। इसमें हम 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी ऐड कर देंगे। इसमें हम 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। इस वजह से हम ऐड कर रहे हैं कि हमारे चावल एकदम ही वाइट वाइट खिले खिले अच्छे से बनेंगे नींबू का रस ऐड करने से, या आप साबुत इसमें ऐड करके बाद में इसे हटा सकते हैं। हम इसमें जूस इसका ऐड कर देंगे 1/2। नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा, इसमें हम चावलों के बराबर का, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम तेल ऐड करेंगे। अब इसे हम पकाने के लिए रख देंगे। रख दिए हैं चावल को पकाने के लिए, मसाला हम चला लेंगे। और हम इसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इस वजह से कि आपको बनाने में समझ लो को कोई मिस्टेक ना हो। हमने चिकन तैयार किया, उसका हम अलग मसाला बताए हैं, और ग्रेवी के जो बिरयानी की ग्रेवी है उसका मसाला हमने अलग बताया है, और चावल में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग बता रहे हैं कि आपको मिस्टेक ना हो। अब इसे पकने देंगे, पकने के बाद मिलते हैं चावलों को। चावल सेट कर देंगे हम, चावल हमारे एकदम अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब इसका पानी हम अलग कर लेंगे चावलों से, बिरयानी की ग्रेवी भी हम चेक करेंगे। ग्रेवी भी एकदम हमारी अच्छे से रेडी हो गई है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे ग्रेवी में। इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। हम 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब इसके ऊपर हम चावल की तही लगा देंगे। इसे हम बराबर कर लेंगे अच्छे से, नीचे जो हल्का सा हमारा ग्रेवी का जो सालन है उसी में ही जो चावल हमारा है बाकी का कच्चा जो है वो अच्छे से पक जाएगा। इसमें हम हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए कि रेस्टोरेंट स्टाइल का जो रहता है उसमें ज़्यादा इसमें हरा धनिया, पुदीना ज़्यादा ये सब नहीं रहता। ऊपर से हम ऐड कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, नहीं तो हम ऊपर से भी नहीं ऐड करेंगे हमारी, अगर नहीं हमें पसंद है तो। एकदम सिंपल में बनेगा या तंदूरी फ्लेवर में बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं लगेगा। ऊपर से हम इसमें इसे येलो कलर ऐड कर देंगे। तली हुई हमारी प्याज जो है वो ऐड करेंगे,
तीन चम्मच इसमें हम चाय के चम्मच से घी ऐड कर देंगे। इसे क्या बहुत अच्छा आता है, अगर आपको घी खाना पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड तेल गर्म किया हुआ, हल्का सा गर्म किया हुआ ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम फिर से एक बार कोयले का धुआं देंगे, कटोरी रख दिए हैं, जला हुआ कोयला हम इसमें रख देंगे और थोड़ा सा हम इसमें घी ऐड कर देंगे या रिफाइंड तेल या जो भी है। इसे अच्छे से कवर करके हम 15 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम टू लो पर। अगर आपका पतीला का जो नीचे का हिस्सा है पतला हो तो आप एक तवे की मदद से इसे दम दीजिएगा, अगर मोटा रहेगा जाड़ा रहेगा पतीला आपका तो आप इस तरीके से भी दम दे सकते हैं। हम नॉर्मली हमारा है मीडियम है, इस वजह से हम तवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 15 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो पर दम देंगे। गैस बंद कर दिया है इसका, ये हटा देंगे। आप देख सकते कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, देखने में तो अच्छा लग रहा है, इसका लुक खाने में भी बेहद ही अच्छा होगा। खुशबू तो इसकी बहुत अमेजिंग खुशबू भी है इसकी। इसको डिश आउट कर लेंगे। बिरयानी हमारी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग इसका लुक भी है, देखने में जितनी अच्छी है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। अगर आपको ये चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।